that. लंका आ गए, आ गए। रावण का दरबार दिखा पर रहा, आओ यार मैं और चल ले धीरे धीरे। महाराज महाराज जय शंकर की, जय शंकर की। कहां तुम अपना हाल बताओ, और उस दुर्बुद्धि भीतर का भी जो लंका का राज द्रोही है, और फिर उन लड़कों की बात कहो जो अपनी जान के घेरे हैं। फिर जिसने लंका का दहन किया उस जैसे कितने बन गए महाराज। पूरी दुनिया में आज तक इन गुप्तचरों ने जहां भी जिस काम के लिए आपने भेजा है सफल होकर आए हैं। पहली बार आपके गुप्तचर वहां जाकर असफल हुए हैं महाराज। मैं आपको वहां का एक एक वृत्तांत बताता हूँ। पहले तो दिया राम जी ने लंका का राज विभीषण को, और फिर हम दोनों लक्ष्मण जी को आ गई दया, हमने जिस समय दुहाई दी, श्री मुख से कुछ संदेश गए चिट्ठी जिस ओर देखे नजर उठा अरे कितने ही भालू बानर है, अरे दलपत सभी रणमत सभी विकराल पराज है। अंगड़ी कपि गर्जन तर्जन कर लहराते व्योम धरा को है, कर देंगे क्षण में खंड खंड यूं देख रहे लंका। इसलिए हे महाराज, मेरा तो ये विचार था कि भला चाहते हो अपना तो सीता रघुनंदन को दीजिए, और पर चरण प्रभु के बार बार बंदन जग बंदन को कीजिए। हे महाराज, भला किसी का कर सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना महाराज। ये लीजिए चिट्ठी महाराज, सारा विवरण इसमें है महाराज। Thank you.
विचार करो। मैं तो यही कहता हूं महाराज, यदि भला चाहते हो अपना सीता रघुनंदन को दीजिए, पर चरण प्रभु के बार बार बंदन चर बंदन को दीजिए। दूर हो जाओ मेरे मजनू से। तुम पितु सर इस भले मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, हम तो प्रभु राम की शरण में ही दोनों जा रहे हैं। आइए जय जय नारायण
Thank you.
पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः इत्थमीश्वरम् Thank you.
तक लंका दुर्ग के कपाट बंद क्यों हैं और वह रावण अभी युद्ध में क्यों नहीं आया है? हे प्रभु, रावण साधारण योद्धा ही नहीं अपितु विद्वान भी है। दुर्ग के फाटक बंद कर वह अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करता होगा। उस दिनों और देखे ना कि राजनीति कहलाती है, लिप को प्रबंध करने के लिए कुछ मोहलत भी दी जाती है। पर विभीषण जी, इस समय राजनीति का प्रसंग उचित नहीं। दो चार रात की ये मोहलत मुझको तो बहुत खटकती है। वह घड़ी घड़ी सीता माई की आई कटती है। वृक्षों और पत्थरों से लंका का दूर ढहा लेंगे। पल भर में द्वार कपाल तोड़ लंका में पलंग बना देंगे। जब राजभवन को तोड़ेंगे तब तो निश्चय घबराएगा, सीता मां को दे जाएगा या खुद लड़ने आ जाएगा। वीर हनुमान, मैं तुम्हारी युक्ति का अनुमोदन करता हूँ, फिर भी मैं या देता हूँ। काशिफ का काम बेहतर है, फिर भी इस जंग से यह मालूम करें क्या उसके दिल के अंदर है। यदि किसी प्रकार रावण संधि करने को तैयार हो जाए तो यह व्यर्थ का रक्त बात न हो। तुम बुद्धिमान हो हनुमान, कहते हो बात डाले की, फिर एक बार तुम्हें बस तकलीफ उठाओ जाने की। हे राजेंद्र सुग्रीव, तुम कहते तो उचित हो पर दूसरी बार हनुमान को भेजना उचित नहीं है, क्योंकि रावण यही समझेगा कि राम की सेना में बस एक ही वीर है। हमारी राय में इस बार अंगद को भेजा जाए, क्योंकि ये भी तो इस कार्य के योग्य है। हे अंगद, तुमको हृदय अभिमानी रावण के लिए बस रहेगा एक भी विभीषण नहीं,